नमस्कार। आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी केक, नो शुगर, नो मैदा और एगलेस। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप दही लिया है, नॉर्मल घर का ही दही है, वही लेना है आपको जो आप घर में यूज़ करते हो। हाफ टी स्पून के करीब है मीठा सोडा, जिसको हम सोडा बोलते हैं खाने वाला, वो है। बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं है, सिर्फ मीठा सोडा है। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये गुड़, जैगरी, आधा कप के करीब जैगरी है। अब इसको मिक्स करके हमको ऐसे ही छोड़ देना है। इसको विस्क करके हम छोड़ देते हैं अदर, जब तक हम कढ़ाई को हीट करने के लिए रख देते हैं, गरम करने के लिए। इसको ढकता रखना है। हमने कढ़ाई नीचे ऐसे स्टैंड रख दिया है और इसको ऐसे अच्छी तरह से ढकता रख दिया है। लो फ्लेम पर ही रखें जब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। ये मैंने ऑयल लिया है, मेरा सनफ्लावर ऑयल है। इसमें कोई टेस्ट नहीं है, मूंगफली का ऑयल आपको नहीं लेना है, सरसों का ऑयल नहीं लेना है। या तो आप घी लें या फिर ये वाला ऑयल लें। हाफ कप ऑयल लिया है मैंने, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको साइड में रखते हैं। ये गेहूं का आटा है, 1.5 कप है और ग्राम में ये 300 ग्राम है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने आटा पहले से ही छान के रखा है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसको हम मिक्स करते हैं। इसमें गेहूं का आटा है, गेहूं का आटा ही लिया है मैंने। इसको हम इसमें डाल के इसको धीरे धीरे डालते हैं। अब इसमें जितना भी दूध लगेगा हम देख लेंगे, आधा कप भी लग सकता है, 1 कप भी लग सकता है। इस हिसाब से दूध डालेंगे हम। दूध रूम टेम्परेचर का ही दूध होना चाहिए, ना ठंडा हो ना गर्म हो। ये बहुत ही हेल्दी केक है, आप ये बच्चों को कभी भी खिला सकते हैं। इसमें मैदा भी नहीं है और शक्कर भी नहीं है, गुड़ का है। बच्चे ऐसे गुड़ नहीं खाते हैं, पर यदि आप ऐसे केक में बना के देंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। अभी पूरा आटा मैं डाल देती हूँ, उसको मिक्स करके देखते हैं। इसमें दूध की ज़रूरत तो लगेगी, पर देखते हैं कितना लगेगा इसमें दूध। ये मैंने आधा कप के करीब दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। कि बहुत ही हेल्दी केक है। इसको यदि चॉकलेट वाला फ्लेवर का आप बनाना चाहते हैं तो इसमें कोको पाउडर डाल सकते हैं। मेरी पहले भी एक चॉकलेट केक की रेसिपी, टी केक की रेसिपी चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसमें और लगेगा अभी दूध। अच्छी तरह से उसको मिक्स करके देखिए, पूरा दूध मिक्स कर लिया है और इसके कंसिस्टेंसी ऐसी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लोइंग भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा ऐसे थिक भी नहीं होना चाहिए, रिबन वाली होना चाहिए। अब इसको हम कंटेनर में डालते हैं। मैंने कंटेनर को पहले ही टिन को बटर पेपर और ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया है। अब इसको हम इसमें डालते हैं। बहुत ही हेल्दी केक है, आप बच्चों को कभी भी दे सकते हैं। अब इस पे हम बादाम डालेंगे, ऑप्शनल है ये, आप चाहो तो डालें नहीं तो नहीं डालें। टूटी फूटी भी डाल सकते हैं या और भी आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो डाल सकते हैं, जो नट्स पसंद हो वो डाल सकते हैं।
मैं बादाम डाल रही हूँ, ये हमने टिन में डाल दिया है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। अब इसको हम बेक होने रखते हैं। मैं ज़्यादातर केक कढ़ाई में ही बनाती हूँ, ताकि जिनके पास ओवन नहीं हो वो भी बना सकता है, और कढ़ाई में भी बहुत अच्छा बेक होता है। अब इसको मैंने फ्लेम को सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको फुल फ्लेम पे रखना है, ताकि कंटेनर थोड़ा सा गर्म हो जाए। उसके बाद में हम इसको ढक देते हैं और 2 मिनट के बाद में फ्लेम को एकदम स्लो कर देना है। करीब 45 से 50 मिनट लगते हैं बेक होने में, फिर बाकी आपके गैस के फ्लेम पर डिपेंड करता है। देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं, इसमें पूरा केक बनकर तैयार है। एक बार हम चेक कर लेते हैं टूथपिक से, साइड से देखिए पूरी क्लीन आ रही है। 2-3 जगह से कर सकते हैं आप, सेंटर से भी कर लेते हैं, पूरी क्लीन है। हमारा केक बेक हो गया है। अब इसको निकालते हैं और 5 मिनट ठंडा करके फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा बना है। देखिए पीछे से भी बहुत ही अच्छा बना है, और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होगा, बहुत हेल्दी है। आप अपने बच्चों को आप भी रोज ले सकते हैं। अब इसके हम कटिंग करते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है, मैंने सिर्फ चक्कू डाला है और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट से कट गया। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी। अभी गर्म भी है, थोड़ा सा ही ठंडा हुआ था, हाथ लगाने के हिसाब लायक, तो मैंने इसकी कटिंग करी। देखिए कितना बढ़िया बना है, आप भी बनाइए और बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इसके पहले भी मेरी एक रेसिपी है चॉकलेट केक की, आटे वाली, वो भी बहुत हेल्दी है, आप भी वो भी बना सकते हैं घर पर, बहुत अच्छा बना है। देखिए ना बहुत ही अच्छा बना है, इसमें शक्कर नहीं है, मैदा नहीं है, पूरा हेल्दी है, आप बना सकते हैं। आप भी बनाइए और बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपको यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।